अभियान को लेकर देश में कई तरह की पहल चल रही है। लोग अपने अपने तरीके से अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में राजधानी देहरादून स्थित जू ने भी एक सराहनीय पहल की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मामूली सी दिखने वाली ये मशीन कोई आम मशीन नहीं है, बल्कि सफाई अभियान को आगे बढ़ाने की एक नायाब मशीन है, जो प्लास्टिक की बोतल को पूरी तरह से खा जाती है। मतलब साफ है, ये मशीन प्लास्टिक क्रशर मशीन है, जिसका काम है जू को इको फ्रेंडली बनाना। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन इस मशीन को लाया गया। जू के डायरेक्टर पी के पात्रों का कहना है कि आने वाले समय में इस जू के भीतर जो भी व्यक्ति इस मशीन में प्लास्टिक की बोतल को डालकर क्रश करेगा, उसे मोबाइल में SMS के जरिए 2 रुपए का कूपन दिया जाएगा, जिसे वो जू के भीतर कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। हमारा जो है स्वच्छ, प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है कि स्वच्छ भारत मिशन है, उसी के तहत ये हम एक मशीन लाए हैं। इसको पेट बॉटल क्रशिंग मशीन कहते हैं। तो जो भी पेट बॉटल्स है, जो ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स है, वो इसमें मशीन में जब डालेंगे तो ये क्रश करके आपका नीचे पूरा दाना बना देता है, और ये दाना आपका रिसाइकलिंग है और रिसाइकलेबल है, और ये आपका सेल हो जाता है। प्लास्टिक को हजम कर जाने वाली ये मशीन सूबे में आम जनता के लिए लगाई गई पहली मशीन है। मशीन से प्लास्टिक को क्रश करके निकले चूरे का इस्तेमाल दूसरी उपयोगी चीजें बनाने में किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देहरादून जू में लगाई गई बोतल क्रशर मशीन कहीं न कहीं एक सराहनीय पहल है। जरूरत है तो इस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज को हर घर तक पहुंचाने की, ताकि हम भारत की स्वच्छता में योगदान दे सकें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ राजन मिश्रा, नेशनल वॉइस, देहरादून।